नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड हिल प्रोडक्ट्स की एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो का विषय होने वाला है पहाड़ी जखिया। अन्य मसालों की तरह इसकी कोई विशेष खेती नहीं की जाती है। यह तो पहाड़ और पहाड़ के बासिंदों के लिए प्रकृति का अनुपम उपहार है। तभी तो हर पहाड़ी व्यक्ति अपने घर की यात्रा करने के बाद एक छोटी पोटली जखिए की अपने साथ जरूर लेकर जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ये काले छोटे छोटे दानों ने हर पहाड़ी की रसोई में किस तरीके से अपनी जगह बनाई और उत्तराखंड हील प्रोडक्ट्स आपके घर द्वार तक इसको किस तरीके से पहुंचाता है। लगभग 500 से 1500 मीटर ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बरसात के दिनों में इसके पौधे स्वतः ही खरपतवार की तरह आपके खेतों की मेड़ों पर, खुले पड़े मैदानों पर, नदियों के किनारे उगने लगते हैं। धीरे धीरे पौधे बड़े होकर लगभग 1 मीटर की ऊंचाई वाले हो जाते हैं और उनमें सरसों जैसे पीले पीले फूल और फिर सरसों जैसी फलियां आने लगती हैं। और जब ये फलियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं तो यह जामुन के रंग की हो जाती हैं। सितंबर अंत और अक्टूबर की शुरुआत तक फलियां पीली पड़कर खुद ब खुद फूटने लगती, मतलब कि मिलने वाला है जखिया। इन्हें काटकर फिर किसी कपड़े में रखकर धूप दिखाई जाती है लगभग 4 दिन तक। लीजिए, तैयार है आपका जखिया आपके खाने की शोभा बढ़ाने के लिए। सब्जियों में लगे छौंक आपके मुंह में एक रूहानी भरा महक घोल देते हैं। जब यह महक जीभ के जायके में घुलकर आपके दिलो दिमाग पर छा जाए, आपको जीभ की सूंघ से ज्यादा शक्ति नाक से महसूस होने लगे और वो कटक कटक स्वाद, तो आपके मुंह में जखिया है। जखिया किसी भी व्यंजन की पहाड़ी रूह है। किसी भी पहाड़ी रसोई में इसका तड़का उतना ही मायने रखता है जितना कि शहरी रसोई में जीरे का। ना सिर्फ स्वाद और खाने में खुशबू ही बल्कि जखिए के कुछ स्वास्थ्य लाभ भी हैं। या फिर हम कहें बहुत कुछ, तो हम गलत नहीं होंगे। जखिए में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व खान पान में इसकी अहमियत को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसके बीज में पाए जाने वाला 18% तेल फैटी एसिड तथा अमीनो अम्ल से भरपूर होता है। इसके बीजों में फाइबर, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ई व सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, मैग्नीज और जिंक जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। पहाड़ की परंपरागत चिकित्सा पद्धति में जखिए का खूब इस्तेमाल किया जाता है। एंटीसेप्टिक, रक्त शोधक, स्वेदकारी, ज्वर नाशक इत्यादि गुणों से इसे युक्त होने के कारण बुखार, खांसी, हैजा, एसिडिटी, गठिया, अल्सर आदि रोगों में जखिया बहुत कारगर माना जाता है। पहाड़ों में किसी को चोट लग जाने पर घाव में इसकी पत्तियों को घिसकर लगाने से घाव जल्दी भरता है। आज भी पहाड़ में मानसिक रोगियों को इसका अर्घ पिलाया जाता है। तो ये थी जखिए से जुड़ी कुछ खास बातें। आप घर बैठे हमारे प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं।
हमारी वेबसाइट पर जाकर किसी भी प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर नीचे आ रहे नंबरों पर जाकर आप हमें किसी भी प्रोडक्ट से जुड़ी कोई भी परेशानी जानकारी शेयर कर सकते हैं। नीचे कमेंट कीजिए आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। यदि आपके कोई प्रश्न है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स की सहायता से पूछ सकते हैं। और प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद उससे जुड़ी वीडियो आप हमें नीचे आ रहे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपकी वीडियो को हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखाना पसंद करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी उत्तराखंड हील प्रोडक्ट से जुड़े किसी नए प्रोडक्ट के साथ। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम सुरेंद्र पुरोहित फ्रॉम ओडिशा। मैं आपको आज एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि प्रोडक्ट है उत्तराखंड हिल प्रोडक्ट है। मैं यूज कर रहा हूँ पहाड़ी मिक्स मसाला। एंड ये पहाड़ी मिक्स मसाला मैं लास्ट 2 मंथ से यूज कर रहा हूँ। जैसे एक पहाड़ी मिक्स मसाला है एंड पहाड़ी जाकिया है, ये मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं यूज किया। ये पहले कभी मैं यूज नहीं किया था। ये फर्स्ट टाइम मैं उत्तराखंड हिल प्रोडक्ट का ही मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ। एंड पहाड़ी नमक है, ये भी मैं यूज कर रहा हूँ उत्तराखंड हिल प्रोडक्ट का। और भी बहुत सारा प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये डिफरेंट प्रोडक्ट है। बट सबसे जो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये पहाड़ी मिक्स मसाला है। एंड मैं लोगों को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये सभी को यूज़ कीजिए, सो दैट यू कैन बूस्ट योर इम्यूनिटी। एंड बोला जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन अगर हम सही समय पे, ओके, इफ यू ईट राइट फूड एट द राइट टाइम, देन ऑल यू कैन मेक्स योर हेल्थ बेटर एंड बेस्ट। सो थैंक यू।